नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के बजानी टोप के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी धारचूला के कार्यालय पहुंचकर निर्माणाधीन पेयजल लाइन का कार्य पूरा नहीं होने से पानी की आपूर्ति न होने पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बीते 28 जुलाई को बादल फटने से धारचूला मुनस्यारी में काफी तबाही हुई थी, जिसके चलते राष्ट्रीय मकान पेयजल योजना सभी आपदा के भेंट चढ़ गए थे, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। जहां माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जहां हर घर जल मिशन के तहत 1 रुपए में पानी के कनेक्शन लगाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कालिका बजानी के साथ ही धारचूला की जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। हुआ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ता भगवती नबियाल ने कहा कि 10 दिनों के भीतर पेयजल लाइन दुरुस्त नहीं की गई तो समस्त क्षेत्र की जनता आंदोलन करने को बाध्य होगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र थापा ने बताया कि पूर्व में पेयजल लाइन को दुरुस्त रखने के लिए BADP से 10 लाख की धनराशि दी गई थी। अभी भी BADP के द्वारा 5 लाख की धनराशि पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के लिए दिए हैं, लेकिन अभी तक पेयजल लाइन दुरुस्त नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व धारचूला की जनता के द्वारा जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी की थी, फिर भी जल संस्थान मौन है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। एजीएम साहब को दिया था, एजीएम साहब ने वहाँ पर अच्छा से अभियंता पेयजल निगम धारचूला को सूचना के लिए दे दिया था, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामवासियों का कहना है कि आधे ग्राम सभा में पानी मिल रहा है, जो सिंचाई भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, आधे ग्राम सभा वालों को पानी नहीं मिल रहा है। ऊपर ही ऊपर वाले बेल्टी को छोड़ दिया, नीचे वाले बेल्टी को पानी दे रहे हैं, तो पानी कहाँ से लाएंगे? न फसल वाली योजना चल रही, न पेयजल निगम की योजना चल रही वहाँ पर, और जो पुरानी योजना चल रही थी उसको भी इन्होंने 15-16 दिन के लिए खाली एक उनको सांत्वना देने के लिए लाया। 15-16 दिन बाद लाइन ध्वस्त हुई, उस लाइन को रिपेयर करने के लिए कोई नहीं गया, तो ये ग्रामीण जनता जाएगी कहाँ? इसको हमने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी थी, प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आज जनता मजबूर हो गई कि यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर है। वो तो कह रहे थे आज ही धरने में बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं, आज ज्ञापन दे रखा है, फिर से आगे की कार्रवाई के लिए बोल रखा है। अगर इस समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे सूचना दी जाएगी और धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर किया जाएगा। ग्रामीण जनता को पानी चाहिए आज और अतिशीघ्र। कालिका बजानी के अंदर पेयजल की अत्यधिक समस्या को देखते हुए मैंने अपने जिला पंचायत सदस्य के समय पर उन्हें जो है 10 लाख रुपए और BADP से 5 लाख रुपए, जिला योजना से 10 लाख रुपए डलवाए थे, लेकिन उसमें कार्य प्रारंभ हो गया था। आज तक विलंब किस कारण हुआ है मेरे समझ में नहीं आया, उसके बाद मैं उस गांव में जा नहीं पाया हूँ। एक बार जाकर इसको जल निगम के एक्शन साहब से वार्ता करके इनका पेयजल समस्या का समाधान तुरंत कराने की कोशिश करो। एक तरफ तो आपकी सरकार कह रही है कि 1 रुपए में कनेक्शन देंगे, दूसरी तरफ गांव वाले लोग इस तरह से प्यासे, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार ने पूरा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर जिलाधिकारी महोदय से लेकर पूरे जो है AE और एक्शन को सबको आदेश कर दिया है कि प्रत्येक गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जनता को भी 1 रुपए में कनेक्शन देकर उन्हें पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। परंतु जो है यहां पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्या समाधान नहीं हो पाए, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां से ज्ञापन भेजने वाले हैं और 2-4 दिन के अंदर इनकी समस्या समाधान करने का पूरा